हर घर की कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रेसिपीज़ होती हैं जो हर साल त्योहारों पे वही रेसिपीज़ बनती रहती हैं। मेरे घर में मीठे पुलाव हर दिवाली पर ज़रूर बनते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने कुछ चावल लिए हैं जिनको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगोया था पानी में। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा पानी एक बड़े पतीले में बॉईल किया और ये भीगे हुए चावल उसमें डाल दिए। जब ये चावल 80% तक पक गए, मैंने इन चावल को ड्रेन कर लिया और इनको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम एक बोल में मिला लेंगे थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा येलो फूड कलर। ये जो कलर मैंने यूज़ किया है ये 100% ऑर्गेनिक कलर है। आजकल बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाते हैं ये ऑर्गेनिक कलर्स एंड दे आर वेरी मच सेफ टू ईट। इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी सैफ्रन और चीनी और इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम एक पैन गरम कर लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी और जब ये घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम फ्राई कर लेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। मीठे चावल ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे कुछ कटे हुए काजू, कुछ बादाम, चिरौंजी और किशमिश और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये लाइटली ब्राउन ना हो जाए। अब हम डाल देंगे इसमें कुछ बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग और इसको 1-2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने ये दूध और चीनी का मिक्सचर बनाया था वो डाल देते हैं इसमें। एक बार इसको मिला लीजिए क्योंकि चीनी नीचे बैठ गई होगी और इसको डाल दीजिए इस घी में। गैस को अब हम बिल्कुल धीमा कर देंगे और अब हम इसमें मिला देंगे चावल जो हमने पहले से ही 80% उबाल के रखे हुए हैं। इसको बहुत जेंटली एक बार मिला लीजिए, जेंटली इसलिए वरना क्योंकि चावल हमारे काफ़ी पके हुए हैं, अगर हम इसको जेंटली नहीं मिलाएंगे तो चावल के दाने टूट जाएंगे और हमारा जो मीठा पुलाव या जर्दा पुलाव है एकदम खिला खिला नहीं बनेगा। और अब हम इसको ढक देंगे और इसको तब तक पका लेंगे जब तक पूरा दूध चावल में एब्जॉर्ब ना हो जाए और चावल अच्छे से पक ना जाए। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 10-12 मिनट्स, तब तक इसको बिल्कुल धीमी गैस पे पकने देते हैं। जब ये चावल हो जाएं तो इसको बहुत ही जेंटली एक बार मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाइए वरना ये जो चावल हैं ये टूट जाएंगे और दाने खिले खिले नहीं आएंगे। चावल हमारे पक चुके हैं और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनको थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए, फिर एक फोक से हल्का सा फ्लफ कर लीजिए। चाहें तो आप इनको थोड़ी सी ड्राइड रोज पेटल के संग गार्निश भी कर सकते हैं और थोड़े से और सिल्वर स्ट्रैंड ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए गार्निशिंग के लिए एंड दे आर रेडी। आई एम श्योर आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको अपने घर पे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर अच्छी बने तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज डू लीव मी अ कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। और क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है अब तक तो जल्दी से जाइए उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे नए वीडियोज़ देखते रहें। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।